हेलो फ्रेंड्स, अब हम वेब सर्वर कंट्रोल्स की सेकंड कैटेगरी ASP.NET कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ASP.NET के कंट्रोल्स HTML कंट्रोल्स की कंपैरिजन में हाई लेवल कंट्रोल्स कहलाते हैं, क्योंकि फंक्शनैलिटी वाइज ASP.NET के कंट्रोल्स HTML कंट्रोल्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें इन कंट्रोल्स को यूज़ करके डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ASP.NET में हमारे पास कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो HTML में नहीं मिलते हैं। चलिए ASP.NET के कंट्रोल्स बनना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट में एक नया पेज ऐड कर लेती हूँ। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊंगी और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके जो मुझे ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से ऐड न्यू आइटम ऑप्शन को चूज कर लूंगी। तो मेरे पास कुछ इस तरीके की विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें से मैं वेब फॉर्म ऑप्शन को चूज करूंगी। मेरे नए पेज का नाम डिफॉल्ट .axpx होगा, चलिए यही रहने देते हैं नाम। लैंग्वेज विजुअल CX और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास एक नया वेब फॉर्म ऐड हो जाएगा। अब डिजाइन व्यू में जाते हैं और टूल बॉक्स में जाके कंट्रोल्स को देखते हैं। अपने इस ट्यूटोरियल में हम लेबल कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और बटन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेबल कंट्रोल को देखते हैं। लेबल कंट्रोल अपने वेब फॉर्म पे कुछ भी टेक्स्ट शो कराने के लिए यूज होता है। चलिए मैं इस लेबल कंट्रोल पे डबल क्लिक कर लेती हूँ तो मेरी स्क्रीन पे लेबल एक आ जाएगा। अब हम सोर्स में जाएंगे तो देखेंगे हमारे पास लेबल कंट्रोल का कोड दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे रनेट इक्वल्स टू सर्वर एट्रीब्यूट जो हम HTML कंट्रोल्स में अपने आप ऐड कर रहे थे, मैन्युअली ऐड कर रहे थे, यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है क्योंकि ASP.NET के कंट्रोल्स बाय डिफॉल्ट ही सर्वर कंट्रोल्स होते हैं। चलिए फिर से डिजाइन व्यू में जाते हैं। अब मैं इस कंट्रोल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाके प्रॉपर्टीज इसकी चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आईडी प्रॉपर्टी को चेंज करके नेम लेवल इसकी आईडी कर देती हूँ। एसेस की प्रॉपर्टी मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगी। आप चाहें तो इस कंट्रोल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसके आगे दिए गए बटन पे जाके मैं इस कलर को चूज कर लेती हूँ तो मेरी कंट्रोल की बैकग्राउंड चेंज होके सिल्वर हो जाएगी। आप चाहें तो बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट पे जाके इसके आगे दिए गए प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके आगे कुछ और प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, बोल्ड, इटैलिक, चाहें तो आप ये भी चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं बोल्ड भी कर लेती हूँ अपने टेक्स्ट को और इटैलिक फॉर्म में भी इस टेक्स्ट को अपने शो करा लेती हूँ। नेम्स में हमारे पास सारी लिस्ट आ जाती है फॉन्ट्स की जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो इसमें से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट करके जिस फॉन्ट पे अपना टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं ले सकते हैं। ओवरलाइन प्रॉपर्टी को अगर मैं ट्रू कर दूंगी तो मेरे कंट्रोल पे ऊपर की साइड से होती हुई एक लाइन आ जाती है। जैसे कि मैं इसे ट्रू कर दूंगी तो आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ एक लाइन आ गई है। फिर से प्रॉपर्टी विंडो ओपन की। अब हम कुछ नीचे आएंगे तो आप देखेंगे फॉन्ट पे हमने चेंज कर लिए थे। उसके बाद आप चाहें तो फोर कलर भी चेंज कर सकते हैं, हाइट भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लेबल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। हम इस पे जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी देंगे वो हमारे लेबल पे लिखी हुई हमें दिखाई देगी। मान लीजिए मैं इस लेबल की जगह लिख देती हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। अब मैंने एक प्रॉपर्टी सेट की थी ओवरलाइन, उसे मैं फॉल्स कर देती हूँ क्योंकि वो देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, आगे आने वाली और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है टूल टिप। टूल टिप प्रॉपर्टी किस लिए होती है? मान लीजिए मैं अपने वेब फॉर्म को रन करती हूँ, अपने पेज को रन कराने के बाद मैं चाहती हूँ जब मैं इस कंट्रोल के पास अपना ऐसे माउस पॉइंटर लेके जाऊं तो उससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट मुझे शो होने लगे, तो इसके लिए हम टूल टिप प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ नेम लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो अपने कंट्रोल की हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस प्रॉपर्टी विंडो को बंद कर देती हूँ। ये मेरा लेबल हो गया है। इससे थोड़ा सा स्पेस देके मैं टूल बॉक्स में जाऊंगी फिर और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ डबल क्लिक करके। आप देख रहे होंगे मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब इसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम आईडी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। इसे चेंज करके मैं नेम टेक्स्ट बॉक्स की आईडी कर देती हूँ। एसेस की किस लिए होती है? हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एसेस की। एसेस की कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाने के लिए यूज होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जे लिख देती हूँ। जब मैं अब इस पेज को रन करूंगी और ऑल्ट प्लस जे प्रेस करूंगी तो मेरा फोकस इस टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाएगा।
ये हमारी एसएस की का यूज होता है। जब हम रन करेंगे अपने वेब फॉर्म को तो इसका यूज देख पाएंगे। आगे नीचे आएंगे तो हमारी बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विथ, बॉर्डर से रिलेटेड ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको फॉन्ट से रिलेटेड वही सारी कॉमन प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, आप देख रहे होंगे। एक प्रॉपर्टी आती है मैक्सिमम लेंथ, अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट में एक लिमिटेड लेंथ से ज्यादा टेक्स्ट एंटर ना हो पाए तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं इस लेंथ, इस प्रॉपर्टी में। अगर आप अपने कंट्रोल को रीड ओनली ही बनाना चाहते हैं, उसमें चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप रीड ओनली को ट्रू कर सकते हैं, टू बी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके आगे टेक्स्ट आता है, आप अपने टेक्स्ट बॉक्स पे जो भी टेक्स्ट शो करना चाहते हैं वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। टेक्स्ट मोड के आगे क्लिक करने पे आप देख रहे होंगे आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आएगी सिंगल लाइन। अगर आप अपना टेक्स्ट एक ही लाइन में एंटर कराना चाहते हैं तो सिंगल लाइन ऑप्शन को चूज करेंगे। मल्टी लाइन ऑप्शन एक तरीके का टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड कराता है, मल्टी लाइन में आप अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। पासवर्ड में जाएंगे तो पासवर्ड की फॉर्म में आपका टेक्स्ट एंटर हो जाएगा। यहां मैं सिंगल लाइन ले लेती हूँ। इसके आगे आप देखेंगे तो हाइट और विड्थ की ही प्रॉपर्टी आपको दिखाई देंगी। इसके बाद फिर इसे मैं क्लोज कर देती हूँ और थोड़ा सा स्पेस देके एक बटन ले लेते हैं और जल्दी से बटन की भी हम प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। आईडी चेंज करके मैं नेम बटन कर देती हूँ और इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। चलिए इसे मैं क्लिक मी कर देती हूँ। अब इसके बाद हम एक और इसे फिर से बंद किया, कुछ स्पेस देके हम यहाँ एक लेबल ले लेते हैं जल्दी से और इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी, इसे मैं रिजल्ट लेबल नाम दे देती हूँ। ये हमारा पेज का रिजल्ट शो करेगा और इसका टेक्स्ट चेंज करके मैं कर देती हूँ दिस विल शो द रिजल्ट। ऐसे ही कुछ हमने अपने HTML कंट्रोल्स के साथ किया था और ऐसा ही एक एग्जांपल मैं इसके साथ ले रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है और ASP.NET में काम करना कितना आसान होता है। आप ये प्रॉपर्टी विंडो में ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन आपका है कैटेगराइज्ड, अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज को कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। देखिए आपकी प्रॉपर्टीज अब कैटेगरीज में डिवाइड हो गई होंगी। इसी के साथ अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज को अल्फाबेटिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो अल्फाबेटिकल पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसपे येलो कलर का कुछ साइन दिख रहा होगा, ये हमारे इवेंट्स के लिए है। इस पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके के दिखाई दिया। हमारे ASP.NET के अधिकतर सारे ही कंट्रोल्स इवेंट्स जनरेट करने में कैपेबल होते हैं। मान लीजिए मैं इस बटन को सिलेक्ट करती हूँ और इसकी प्रॉपर्टी देखूंगी और इवेंट्स पे जाऊंगी तो मुझे क्लिक दिखाई देगा। HTML कंट्रोल्स में क्या होता था, हमें अपना इवेंट हैंडलर खुद ही क्रिएट करना पड़ता था सोर्स में जाके, और फिर कोड बिहाइंड फाइल में भी हमें उसका इवेंट हैंडलर के लिए पहले मेथड बनाना पड़ता था। पर ASP.NET के कंट्रोल्स में सिंपली मैं अगर मैं इस क्लिक पे क्लिक कर दूंगी तो मेरा इवेंट हैंडलर मुझे कोड बिहाइंड फाइल में मिल जाएगा। देखिए मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगी तो आप देख रहे होंगे मेरी कोड बिहाइंड फाइल अपने आप खुल के आ गई है और मेरा इवेंट हैंडलर भी बन गया है जिसका नाम नेम बटन अंडरस्कोर क्लिक है। अब फिर से हम अपने डिजाइनर व्यू में जाएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं रन टाइम पे इस टेक्स्ट बॉक्स में अपना टेक्स्ट एंटर करूं और क्लिक मी बटन पे क्लिक करूं तो मेरा एंटर किया गया नाम मेरे इस लेवल में शो हो जाए। इसके लिए अब मुझे अपनी कोड बिहाइंड फाइल में जाना होगा और कुछ कोडिंग करनी होगी। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने रिजल्ट लेवल को लेती हूँ, थोड़ा स्पेस देके करना शुरू करते हैं काम। रिजल्ट लेबल डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज होती है टेक्स्ट को चेंज करने के लिए या गेट करने के लिए। टेक्स्ट इक्वल्स टू मेरे टेक्स्ट बॉक्स की क्या आईडी थी, नेम टेक्स्ट बॉक्स है ना। तो हम लेंगे सबसे पहले एक स्ट्रिंग भी, चलिए एंटर करा लेते हैं, योर नेम इज प्लस का साइन। इसके बाद हमारी टेक्स्ट बॉक्स की आईडी थी नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। चलिए नाम और इसके बीच में हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया। अब डिबग में जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग से अपना पेज रन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से अपनी विंडो मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देती हूँ राम और क्लिक मी बटन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, योर नेम इज राम।
या हमने एक टूल टिप प्रॉपर्टी उस टाइम यूज की थी कि जब हम रन टाइम पे अपने कंट्रोल के पास माउस लेके जाए तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने टूल टिप टेक्स्ट में लिखा था वो दिखाई दी। देखिए अब मैं लेवल के पास अपना माउस पॉइंटर लेके जा रही हूँ तो मुझे नेम दिखाई दे रहा है। ऐसा मेरे पास टूल टिप प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। अपने इस ट्यूटोरियल में इतना ही, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कुछ और कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।